पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिर्फ फरवरी महीने में ही एलपीजी गैस सिलेंडर 3 बार महंगे हो चुके हैं। आज इस वीडियो में विस्तार से इसी खबर पर बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो लगातार बढ़ ही रही हैं, मगर इसी बीच दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दरअसल में दिल्ली में एक बार फिर से रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। यह इजाफा सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हुआ है। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए इस इजाफे के बाद बृहस्पतिवार से राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 794 रुपए कर दिया गया है। इसमें 25 रुपए का इजाफा किया गया है। बता दें कि बृहस्पतिवार के दिन जब लोग रसोई गैस की बुकिंग कराने लगे तो उन्हें इस बढ़े दाम की जानकारी दी गई। फरवरी महीने में अब तक यह तीसरी बार हुआ है जब एलपीजी गैस के दाम बढ़ाए गए हों। बता दें कि इससे पहले IOCL ने 4 फरवरी और 14 फरवरी को इसके दाम बढ़ाए थे और इस तरह से बीते एक महीने के अंदर सिलेंडर गैस के दामों में 100 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। बता दें कि इससे पहले बीते साल दिसंबर के महीने में भी रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतें 2 बार बढ़ी थी। पहले दिसंबर के दिन भी IOCL ने 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 594 रुपए से बढ़ाकर 644 रुपए कर दिया था। इसके बाद 15 दिसंबर के दिन इसकी कीमत में और इजाफा करते हुए इसे 694 रुपए कर दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जो कहीं नहीं वो यहाँ है, जो सही है वो यहाँ है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है, एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है, राजनीति, खेल, फिल्म, उद्योग, विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है ललूराम.com। सच कहेंगे ललूराम।